देश दुनिया के इतिहास में 14 जनवरी का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन लेखिका महाश्वेता देवी के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। मुगल साम्राज्य के अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म आज ही के दिन 1551 में हुआ था। आज ही के दिन 1641 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलक्का शहर पर विजय प्राप्त की थी। 1659 में आज ही के दिन हुए एलवास के युद्ध में पुर्तगाल ने स्पेन को पराजित किया था। दुनिया का हेली कॉमेट से परिचय कराने वाले एडमंड हेली ने आज ही के दिन 1742 में आखिरी सांसें ली थी। एडमंड हेली इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध खगोलविदों में जाने जाते हैं। आज ही के दिन 1760 में फ्रांसीसी जनरल लेली ने पांडिचेरी अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। 1761 में आज ही के दिन भारत में मराठा शासकों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आज ही के दिन 1809 में इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ गठबंधन किया था। ब्रिटिश शासन के अधीन ICS अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री CD देशमुख का जन्म आज ही के दिन 1896 में हुआ था। हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे का जन्म आज ही के दिन 1905 में हुआ था। पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से गोवा की मुक्ति की लड़ाई लड़ने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुधा ताई जोशी का जन्म आज ही के दिन 1918 में हुआ था। आज ही के दिन 1918 में फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ कैलाक्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का जन्म आज ही के दिन 1926 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का निधन आज ही के दिन 1937 में हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सबरवाल का जन्म आज ही के दिन 1942 में हुआ था। आज ही के दिन 1954 में जगतगुरु कृपालु महाराज ने 7 दिनों तक 500 से ज्यादा हिंदू विद्वानों के समक्ष भाषण दिया, उन्हें 5वां जगतगुरु चुना गया। 1969 में आज ही के दिन भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था। आज ही के दिन 1975 में सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को समाप्त किया था। फार्मूला 1 रेस में फर्राटा भरने वाले पहले भारतीय नारायण कार्तिकेयन का जन्म आज ही के दिन 1977 में हुआ था। 1982 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1994 में यूक्रेन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने मास्को में परमाणु अस्त्र कम करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1994 में आज ही के दिन 300 वर्ष में पहली बार ब्रिटेन के शाही परिवार के किसी सदस्य ने कैथोलिक धर्म अपनाया था। एक प्राइवेट सर्विस में डचेस ऑफ केंट कैथोलिक चर्च की सदस्य बनी थी। आज ही के दिन वर्ष 2000 में कंप्यूटर के बाद शाह बिल गेट्स ने स्टीव वाल्मर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सौंपी। 2002 में आज ही के दिन ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की थी कि करीब 11 महीने तक देश में फैली फुट एंड माउथ बीमारी को मध्य रात्रि में खत्म माना जाएगा। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।